मेरे दोस्तों को हम बताते हैं कि कालू करके एक मजदूर है, वो 12 महीने में 1200 रुपये कमाता है। 12 महीने में 1200 रुपये पार्ट टाइम जॉब करके कमाता है, 12 महीने में 1200 रुपये ही कमाता है, तो एक माह की उसकी कमाई कितनी होगी पार्ट टाइम जॉब से? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको भाग करना सीखें, भाग करना सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर कालू 12 महीने में 1200 रुपये कमाता है तो एक महीने की कमाई, तो उसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा डिविडेशन के तहत एक महीने की कमाई याद करने के लिए। 12 महीने की कमाई में 12 महीने की कमाई उसकी 1200 रुपये, ये 1200 रुपये डिवाइडेड बाई 12, तो इसका मान हो जाएगा 12 से 12 को काट दिया, फिर 12 की 12 एकम 12 एक, तो पर मंथ 1 महीने की कमाई हो जाएगी प्रति माह 100 रुपये। तो इसी तरह से अगर डिविडेशन करना है तो भाग करना कैसे सीखें, सबसे पहले हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि एक का मान ज्ञात करना है तो आपको डिविडेशन करना पड़ेगा। तो 1200 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका मान हो जाएगा आपके 100 रुपये पर मंथ कमाता है। कौन कमाता है? कालू। ओके सर, बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्यारे दोस्तों को बताते रहिए कि भाग करना कैसे सीखें।